रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू फरहान कुकिंग एंड व्लॉग। तो जनाब कैसे हैं आप सब लोग? मुझे उम्मीद है अल्लाह पाक की रहमत फजल करम से आप सब लोग अपने अपने घरों में शाद और आबाद होंगे। अल्लाह पाक हम सबको अपने ज़ोमान में रखे। तो जनाब मैं आज आप लोगों के लिए फेस स्क्रब लेके आई हूँ, नेचुरल फेस स्क्रब, जो हम लोग अपने घर में जो हमारे पास चीज़ें मौजूद हैं, जो हमारे पास इंग्रेडिएंट्स घर में हैं, उसका हम लोगों ने फेस स्क्रब बनाना है, जो कि हमारी फेस ऑर्डिनरी जो है ना वो ब्यूटीफुल हो जाएगा। और तमाम लोग आप लोगों से पूछेंगे जनाब आप लोग फेस पे क्या इस्तेमाल करते हो जो आपका फेस इतना ग्लो कर रहा है। तो जनाब हम लोगों को आधा चम्मच जो है ना कॉफ़ी पाउडर का चाहिए। ये कॉफ़ी जो है ना उसको मैंने अच्छी तरह से मिक्सी पीस के अंदर ऐड करना है। तो जनाब हम लोगों ने इसके अंदर डालना है एक चम्मच भर के जो है ना वो कच्चा दूध। कच्चा दूध जो है ना, अगर आप लोग इसको कॉफ़ी में पाउडर में ना भी मिलाएं तो कच्चा दूध जो है ना, हाली कच्चे दूध के साथ आप लोग अपने चेहरे पर हाथों में थोड़ा सा कच्चा दूध डाल के ना, इस तरह मतलब जरा कच्चा दूध हाथों में ऐसे थोड़ा सा एक कतरा डाल के, तो उसके साथ जो है ना आप लोग अच्छे तरीके से अपने हाथों पैरों की क्लिनजिंग करें, तो ये जो है ना आप लोग की स्किन के लिए बेहद इफेक्टिव होता है, बहुत अच्छा होता है। तो सबसे पहले जनाब हम लोग अपने कच्चे दूध के साथ हम लोग अपने हाथों की अच्छे तरीके से क्लिनजिंग करेंगे। ये देखें जनाब, ये हमारी क्लिनजिंग हो गई है, ये मैंने दोनों हाथों पर क्लिनजिंग भी करा कर दी है। तो जनाब ये जरूरी नहीं है कि बॉयल दूध हो, बॉयल दूध नहीं, कच्चा दूध भी सेहत के लिए अच्छा है। जे मतलब अगर आपके चेहरे पर खुश्की है तो बलाई भी आपके लिए बहुत अच्छी है। तो जनाब मैंने आप लोगों को इसके साथ क्लिनजिंग भी इसके साथ कर दी है, कच्चे दूध के साथ अच्छे तरीके से, और ये हमारी क्लिनजिंग भी हो गई है जनाब। और ये देखें ये हमारी क्लिनजिंग भी हो गई है। और उसके बाद हम लोगों ने क्या करना है, कॉफी में मैंने एक चम्मच आपका हमारी कॉफी थी और एक चम्मच मैंने इसके अंदर क्या डाल दिया है, कच्चे दूध का। और उसके बाद हम लोग तीसरी जो चीज़ के अंदर ऐड करेंगे वो है जनाब, हम लोगों ने स्पून एक और पकड़ा नहीं, मैं इस तरह ही आप लोगों को बता दूंगी, हम लोगों ने हाफ चम्मच इसके अंदर क्या डालना है, चीनी का डालना है। तो जनाब ये देखिए, ये हमारा बहुत ही ईजी टू अवेलेबल तमाम चीज़ें मेरे घर में मौजूद थी। सर्दियों में कौन सा घर ऐसा होता है जिसमें कॉफी मौजूद ना हो। ये जनाब हमारा फेस स्क्रब बन के हो गया है तैयार। तो इसको हम लोगों ने इस स्क्रब को हम लोगों ने हाथों पे लगाना है, पैरों पे लगाना है, फेस पे लगाना है। ये देखिए मैं आप लोगों को अब लगाने का तरीका बताऊंगी। ये देखिए जनाब इसको हम लोगों ने अच्छे तरीके से इसके साथ हम लोगों ने अच्छे तरीके से अपने जो है ना ये कि कॉफी का जो कॉफी है ना वो हमारी स्किन के ऊपर हमारी एंटी एजिंग का भी काम करती है और हमारी साथ इफेक्ट्स आ गए हैं। वैसे ही हाइपर पिगमेंटेशन हो गई है, रिंकल्स वगैरह हो गए हैं, जो भी मसे मसाले हैं, ये कॉफ़ी जो है ना वो हमारे स्किन के ऊपर बहुत ही अच्छा इफेक्ट डालेगी। और उसमें हम लोग चीनी डाल देंगे तो ये बेहतरीन जो है ना तो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं। सिंपली आप लोगों ने ये स्क्रब बनाना है, सिर्फ तीन चीज़ें इसमें डली हैं, कच्चा दूध और चीनी और कॉफ़ी का पाउडर। और देखे जनाब ये बहुत बेहतरीन स्क्रब जो है ना स्क्रब को लगाया है। और उसके बाद जनाब मैंने नीम गर्म पानी से इसको नीम गर्म पानी के साथ, ताज़े पानी के साथ इसको आप लोगों ने अच्छे तरीके से धो लेना है। और ये देखें जनाब ये दी बेस्ट जो है ना स्क्रब है। ये देखें जनाब इसको मैंने अच्छे तरीके से अब खुशक कर लेना है। तो ये देखें, ये देखें, ये मेरा दूसरा हैंड देख लें और ये मेरा ये वाला हैंड देख लें। आप लोग देखोगे कि जिस सिर्फ फर्स्ट टाइम मैंने इसको यूज़ किया है और मेरे हाथों के ऊपर एक जो है ना का फ़र्क है। तो जनाब आप लोगों ने इस स्क्रब को ज़रूर यूज़ करना है, कमेंट बॉक्स में ऐसा लगा है। और दुआ में ज़रूर याद रखिएगा, इंशाल्लाह नेक्स्ट रेमेडी में आप लोगों से दोबारा मुलाकात होगी। और हाँ, जिन लोगों ने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दे, लाइक करे, कमेंट करे, शेयर करे, बेल आइकन को दबा दे। आप लोगों का प्यार, आप लोगों की कमेंट्स, आप लोगों की इंकरेजमेंट मेरे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये मेरे अंदर पॉजिटिव एनर्जी लेके आती है ताकि मैं आप लोगों के लिए मज़ीद अच्छी अच्छी रेमेडीज़ लेके आऊँ। इसके साथ ही आप लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें, दूसरों को खुश रखें। अल्लाह हाफिज़।